लेकिन कब्र में भी और मैदान अशर में भी जिसको उम्मत की फिक्र होगी वो रसूलुल्लाह हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाप कब्र में छोड़ के आ जाएगा, बेटा बाप को छोड़ के आ जाएगा, जब सब आ जाएंगे तो हजूर आ जाएंगे। फिक्र ना कर भाई, तू मेरा कलमा पढ़ता रहा है, तू मुझसे मोहब्बत करता रहा, फिक्र नहीं करना। अब फरिश्ते पूछेंगे, हाँ भाई ये कौन है? मा कुनता तकूल फी हाज़र रजुल, इस ज़ाते अक़दस के बारे में क्या कहता है? सुभानअल्लाह, ये हमारा सुन्नियों का बड़ा महबूब मौजू है। क्यों जी, महबूब होना भी चाहिए। कब्र में पूछेंगे जब फरिश्ते नबी के बारे में कौन है ये, तो कहूँगा मैं मेरी मुश्किलों में यही तो मुश्किल कुशा रहे कहूँगा मैं मेरी मुश्किलों में यही तो मुश्किल कुशा रहे हैं। रूह तशरीफ लाएंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ये नकीरैन से कहेगा, आज पूरी हुई दिल की हसरत, क्यों ना जी भर के कर लूं ज़ियारत कब्र में नकीरों नाना मेरी सरकार आए हुए हैं कब्र में नकीरों नाना मेरी सरकार आए। सुभान अल्लाह, जहाँ सारे फिक्र करने वाले फिक्र छोड़ जाएंगे वहाँ हजूर आएंगे। मैदान माशर में बाप अपनी फिक्र में, माँ अपनी फिक्र में, भाई अपनी फिक्र में, कमली वाला उम्मत की फिक्र में।